बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय फोर्थ लेक्चर ऑफ ग्रामर व्हिच इज अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यू हैव रीड दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस स्टूडेंट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? यस, वर्ब एंड वॉइसेस। वेयर बिफोर टीचिंग दिस आई हैव टोल्ड यू बिफोर क्लास ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। Yes, the transitive verb needs the objects. The intransitive verb needs any kind of objects. In the sentence in which we found any kind of object, direct object, I'm talking about the direct object, we can convert it into the passive voice. Yes, voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the actions. There are two types of voices. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी कि ये बताया आपको कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं जहां पर रिसीवर और परफॉर्मर जो होता है वो आपको मिलता है। परफॉर्मर कौन होता है? सब्जेक्ट, और रिसीवर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस जहां आपको ये दोनों मिले, जहां एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें आपका सारा टोटल डिपेंडेंट जो होती है, वो पूरी जो फॉर्म होती है, पूरा जो सेंटेंस होता है, वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है? वो सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा होता है। बिकॉज we convert our sentence into passive voice, your active voice, according to the subject. ठीक है, subject के हिसाब से हम क्या करते हैं, helping verb लगाते हैं, subject के हिसाब से हम जो है उसका verb लगाते हैं। That's why इसमें सबसे important क्या होता है हमारे पास, active voice में सबसे important हमारे पास subject होता है। ठीक है, इसी तरह passive voice में क्या होता है, the object is very necessary. The most necessary ingredients of the passive voice is the object. If the object is there, so you can convert it into the passive voice. You know, student, passive voice के लिए हमारे पास जो है object का होना बहुत जरूरी है. Object means the receiver of any action. Do you know the difference between the object or the complement or the other things? Okay, I'm talking about, I'm speaking one sentence. Okay, listen to me carefully. I play in the ground. Play is transitive or intransitive verb. दोनों है ये, transitive verb भी और ये intransitive verb भी। ठीक है, अब मैंने ये sentence बोला I play in the ground. So in this sentence here the play is playing the role of as a intransitive verb. यहाँ पर जो है क्या है, play जो है वो किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, वो इंट्रांसिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इन द ग्राउंड इज नथिंग, क्योंकि हमारा वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट के बाद, जो फॉरेन वर्ब के बाद आपके पास आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो फॉरेन आपके वर्ब के पास है। ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, तो इसमें एक्शन को रिसीव करने वाला तो कोई था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस सेंटेंस में आई प्ले इन द ग्राउंड, इसमें आपके पास क्या है कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ इन द सेकंड वे, आई एम सेइंग दैट आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस, बिकॉज वी गॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या खेलते हैं हम? क्रिकेट खेलते हैं। आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं क्रिकेट खेलता हूँ कहाँ, ग्राउंड में। तो देन वी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का रोल जो है बहुत जरूरी था। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टॉट यू दिस टॉपिक बिफोर टीचिंग द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तभी मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाने के लिए, पढ़ाने से पहले आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जेरंड और इंफिनिटिव ये सब पढ़ाया। ठीक है स्टूडेंट, लिसन टू मी केयरफुली। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। यस, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड में जो फर्क है वो ये है कि ट्रांजिटिव में आपको नीड होती है एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया ना कि आई प्ले इन द ग्राउंड। अब वो आप क्या करो कि इन द ग्राउंड, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ। जहां आपको ऑब्जेक्ट की नीड हो कि भाई क्या खेलता है, ग्राउंड में तो खेलो लेकिन क्या खेल रहे हो, तो जब हम आपके पास ये सवाल आ जाते क्या क्या खेल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या भेज रहे हो,
इनसे आप सवाल कर सकते हो ना, क्या से आप आराम से कर सकते हो, तो ये ट्रेजेडी वे। और अगर मैं कहूँ कि मैं हंस रही हूँ, तो आप ये तो नहीं बोलते तुम क्या हंस रही हो, तुम क्या रो रही हो, ठीक है, क्या स्माइल कर रही हो। तो ये जो जुमले हैं जिसमें हम जिसका हमें क्या से जवाब बिल्कुल एक अजीब सा लगे, ऑड लगे, दैट इज इन ट्रेजेडी। ठीक है स्टूडेंट, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मींस, एक्टिव वॉइस इज यूज टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन। एक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। मैंने अभी बताया कि एक्टिव वॉइस मीन द मेजर, द सब्जेक्ट इज द प्लेइंग द मेजर रोल। सब्जेक्ट के बगैर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब आप सब्जेक्ट जो है जब आप बनाते हो, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से फिर क्या करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब भी लगाते हो। तो हमारे लिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या होता है कि आपके लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि लेब्रन थ्रू द बास्केट बिफोर द बजर, थ्रू द बास्केट। ठीक है, देखें लेब्रन थ्रू द बास्केट बिफोर द बजर। देखें अब अगर मैं लेब्रन में लिखूं तो थ्रो द बास्केट बिफोर द बजर, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह लेब्रन शूट द बास्केट बॉल फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन, लेब्रन स्कोर 3 points। इसमें सारा जो काम का जो परफॉर्मर है, जो लेब्रन है, वो देखें आप के वो सब काम करता है। इसमें क्या होता है, एक्टिव वाइज एक्टिव। हमें नहीं आगे पता क्या मैं इसको कंटिन्यू में बनाऊंगी, अगर लेब्रन इज थ्रोइंग तो मैं लेब्रन के हिसाब से ही उसका हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। ठीक है, तो एक्टिव वाइज में हमारे पास क्या होता है कि इसमें टोटल पूरा सेंटेंस किस पे डिपेंड कर रहा होता है, सब्जेक्ट पे कर रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग दूसरी चेंजिंग कर रहे होते हैं, दैट इज एक्टिव वाइज। ठीक है, जिसमें आपका परफॉर्मर एक्टिव हो। इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए आपके लिए जरूरी है कि वी नीड एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज रिसिपिएंट। उसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसमें उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर बन जाता है, और पैसिव वॉइस में जो है आपका सब्जेक्ट रिसीवर बन जाता है। ये देखिए, आप पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो रिसिपिएंट बन जाए, रिसीवर बन जाए, किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला, तो वो कहलाता है आपका पैसिव वॉइस। जैसे कि द बॉल वाज थ्रोन बाय लेब्रन, बॉल किसने फेंकी, अब असल बात के एक्शन तो हुआ, बॉल किसने फेंकी, लेब्रन ने फेंकी। द बास्केट वॉज शूट, अब बास्केट को किसने शूट किया, लेब्रन ने फेंकी। सारा बाय लेब्रन, बाय बाय, या कुछ भी हो सकता है। लेटर वॉज रिटन बाय मी, ये लेटर लिखा गया, किसने लिखा भाई, अब एक्शन हुआ किसने किया, कि भाई मैंने। ठीक है, ये कहलाता है पैसिव वॉइस। ये डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, फिर बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि हमें वहां पर सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, जो किसी प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, जैसे कि शी सेंड मी अ गिफ्ट, आप लिखते हो शी सेंड टू मी अ गिफ्ट। तो टू मी, जो जितने भी आप पर्सन के नाम लेते हो ना, मी, आई, यू, वी, ये आपके कहलाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितने भी हम नॉन लिविंग थिंग को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई राइट अ लेटर टू हर, मैंने उस लड़की को खत लिखा। ठीक है, लेटर जो है हमारा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसको लिखा, वो टू मी या टू हर जो भी है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, अच्छा, अब सवाल ये होता है, व्हेन डू यू वांट टू यूज पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस बनाने की कब जरूरत पड़ती है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे जुमले बोल रहे होते हैं जो हमें समझ में, आप कभी टीवी देखते हो तो वहां पे भी बहुत सारी आप देखें कि बहुत सारी बातें वो इस तरह बताते हैं कि भाई जो है इनामात तकसीम किए जा रहे हैं, वहाँ वोट दिए जा रहे हैं, तो ये हम न्यूज में भी सुनते हैं, आम जिंदगी में भाई हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ तो ये काम किया जा रहा है, वहाँ यह काम होता है। तो आप देखें कि हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे जुमले ऐसे बोलते हैं जो पैसिव में होते हैं, जिन पे हम कभी गौर नहीं करते, लेकिन हमारी जिंदगी में हम ये रोजमर्रा के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं,
इट इज द रूटीन सेंटेंसेस वी थिंक वी डोंट थिंक दैट कि हम ये नहीं सोचें कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल चीज है. नो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. आप कभी इसको अपनी गौर से सुने तो हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी बोल रहे होते हैं भाई खाना पकाया जा रहा है. नहीं आप यहाँ बैठे अभी तो खाना पकाया जा रहा है. तो ये भी जुमला पैसिव वॉइस का कौन पका रहा है ये नहीं पता. ये पता है ना कि भाई खाना पकाया जा रहा है. असल चीज क्या है खाना पकाया जा रहा है. ठीक है लाजमी आपके घर का कोई फट पका रहा होगा. ठीक है अब हमें इसमें जो मैं आपको यूज़ स्लाइड दिखी इसमें यही बताना चाह रही हूँ कि व्हेन वुड यू वांट टू यूज़ द पैसिव वॉइस. कि हम कब यूज करते हैं पैसिव वॉइस. व्हेन इंटेंशनली ट्राइंग टू हाइड द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. जब हमें अपने इरादतन जो है अपने सब्जेक्ट को छुपाना हो कि भाई ये काम किसने किया. बस वो पूछे भाई ये काम किसने किया. हाँ भाई वहां तो ये काम हो रहा है. अब आप बोलते हो कौन कर रहा है. हाँ बस हो रहा है. आपको इससे क्या हम छुपा देते. फॉर एग्जाम्पल अ पॉलिटिशियन माइट से एक पॉलिटिशियन ये कह सकता है द मिस्टेक वॉज मेड बाय समवन. अब बता दिया उसने भाई हाँ गलती किसी से हो गई है. गलती किसी से हो गई है. इसमें हाइडिंग द सब्जेक्ट हेल्प्स हिम हर हाइड जो भी था ब्लेम वो किसी पे देने चाहिए कि भाई यहाँ तो चोरियां की जा रही थी. वो मतलब किसी पे हम जब इल्जाम भी लगाना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं हाँ भाई यहाँ तो चोरियां की जा रही थी. किसी पर ताउंस दिए जाते हैं हाँ भाई यहाँ तो खाने पकाए जाते हैं. यहाँ तो बुराइयां की जा रही थी. तो ये सब चीजें हम जब हम छुपाना चाहें किसी चीज को किसी भी एक्शन जो सब्जेक्ट को तो हम ये पैसिव वॉइस का जुमला बोलते हैं. पहला यूज आपको ये बताया. उसके बाद नंबर टू वन इंटेंशनली ट्राइंग टू मिनिमाइज द गिल्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अ चीटिंग बॉयफ्रेंड माइट से चीटिंग वॉज कमिटेड बाय मी. ठीक है इसमें बोला है कि थोड़ा बहुत जो है मैं वो करने के लिए अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए जो है जो बात बोली जाती है जैसे कि वो बोला कि चीटिंग बॉयज ये कह सकते हैं हाँ चीटिंग वॉज कमिटेड बाय मी. हाँ थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो गई या मैंने चीटिंग कर ली है. ठीक है तो वहाँ भी हाँ मुझसे ये काम हो गया है इस तरह. तो ये जब हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई मुझसे ये काम हो गया है तुमसे अच्छा ये गलती हो गई है तुम्हारे तो फिर इधर भी हम यूज कर लेते हैं. बहुत सारे जुमले जो हम उनको यूज करते हैं. When passive voice better emphasize the main point of the message such as children were harmed by the drunk driver. समझ आई कि जब हम अब passive voice कहाँ जोर देते हैं जब हम किसी को मैसेज भी देना चाहें. किस किस्म के such as children were harmed बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया या बच्चों को नुकसान हुआ किससे by the drunk driver. ड्रंक ड्राइवर समझते हैं जो पिए हुए होते हैं. ठीक है उनकी वजह से बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया या पहुंचा. ठीक है तो ऐसी जगहों पे भी यूज करते हैं जैसे अब कमेंट्री आप मैच देख रहे हो उधर भी होता है कि बॉल फेंकी जा रही है ये नहीं पता कि कौन फेंक रहा है और कैच पकड़ा गया किसने पकड़ा ये नहीं पता. ठीक है वहां भी आप देखें कमेंट्री में बहुत सारे आपको जुमले ऐसे मिलेंगे जो कि आपके पैसिव में होते हैं. न्यूज में न्यूज कास्टर जो है वो खड़ी हुई किसी भी इलाके का वो जो दे रही है रिव्यू दे रही है या उसके इलाके में बारे में तो वो भी बताती है कि यहाँ इतना सारा कचरा फेंका गया है रोड जो है तामीर नहीं किए गए हैं. अब ये तो पता है कि टोटली जो उसका करता धरता है वो गवर्नमेंट है लेकिन वो उसका नाम यूज नहीं कर रही है. वो डायरेक्ट बस उसको छुपाने की उनको पता है कि सबकी सब काम किसने करने हैं और क्यों नहीं किए जा रहे हैं. तो उधर भी आप देखेंगे आपको पैसिव के जुमले मिलेंगे बहुत सारे. ऐसा नहीं है कि हमारा पैसिव का यूज ही नहीं है. अगर आप लोग ये सोचेंगे Why we people are using this passive voice? Why we can't use the active voice in the right way? तो आप सोचे कि भाई हम सिर्फ active voice क्यों नहीं use करते हैं passive voice क्यों नहीं. लेकिन passive voice बाज़ औक़ात हमें वही जो उन्होंने इसमें use बताया कि हमें बाज़ औक़ात बहुत सी बातें directly जो है कह देनी पड़ती हैं और किसी का नाम लिए बगैर भी कहनी पड़ती हैं. बाज़ औक़ात हमें ऐसी बातें करनी पड़ती हैं कि भाई हाँ भाई यहाँ तो चीटिंग की जा रही है. हाँ भाई यहाँ तो जो है कॉपियाँ चेक की जा रही हैं. तो ये जुमले हमारे रोजमर्रा जिंदगी में उर्दू में भी बोलते हैं जिस पे हम गौर नहीं करते. ठीक है स्टूडेंट तो हम पैसिव वॉइस इसलिए यूज करते हैं. मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं तो तहाइफ भेजे जा रहे हैं. ठीक है ओ भाई यहाँ तो बड़े तहाइफ भेजे जा रहे हैं. कहते हैं नहीं ओ भाई डिनर विनर हो रहा है यहाँ तो ये सब पैसिव के ही जुमले हैं. द पैसिव वॉइस अब क्या फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ड अब किस तरह बनते हैं ये देखिए. द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स अ डबल वर्ड. Do you know the double verb? Yes, and will always consist of a form of verb to be. Yes, in passive voice we use be verb. We use
बी वर्ब एंड द पास्ट पार्टिसिपल. बी वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाई थी. पढ़ाया ना मैंने इससे पहले वाली क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जरेंड और इन्फिनिटिव, ये सब पढ़ाई. इसीलिए मैंने ये सब पहले पढ़ाया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पर हम बी वर्ब यूज करते हैं. जो हम लोग इज एम आर यूज कर रहे होते हैं ना, नॉट दे आर नॉट हेल्पिंग वर्ब. वी यूज हेयर इन पैसिव वॉइस, वी यूज बी वर्ब विद पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज किए जाते हैं. अब आप लोग शुरू में पढ़ते हुए आयो कि भाई जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पढ़ते हुए आयो ना. नहीं, अब आप तो आप थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा मॉडरेट करें कि पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है और बी वर्ब के साथ यूज किया जाता है. ठीक है, बी वर्ब के साथ क्या यूज किया जाता है, देखें बी वर्ब के साथ आप कोई एडजेक्टिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, कोई नाउन यूज करते हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जब आपकी थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज की जाए, दैट इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल. वैसे तो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया तब भी पास्ट पार्टिसिपल ही होती है. यस, एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव जॉन बेक द ब्रेड. जॉन ने जो है ब्रेड बेक कर लिया. अब पैसिव वॉइस बनाए, द ब्रेड वॉज बेक्ड. देखें वॉज बेक्ड, वॉज क्या है, पास्ट का बी वर्ब. प्रेजेंट के बी वर्ब क्या है, अभी पूरे बी वर्ब बताए जाएंगे. प्रेजेंट के बी वर्ब क्या है, इज एम आर, और पास्ट के वॉज वर, ठीक है, और फ्यूचर क्या है, विल बी. और इसके अलावा जब कंटिन्यूस मिलाएंगे तो फिर हम बींग यूज करेंगे. क्लास में हमें तो पैसिव वॉइस कंटिन्यूस के भी बनाने, तो कंटिन्यूस के लिए हम बींग यूज करेंगे. और परफेक्ट टेंसेस के भी बनाने हमें पैसिव वॉइस, तो उसके लिए बींग यूज करेंगे. बी डबल ई एन बींग, ठीक है, वो है बी की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी अपने इस हेल्पिंग वर्ब को, उस ऑक्सिलरी वर्ब को कन्वर्ट करना है किसमें, बी वर्ब में. तो बी वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम उसका जो है आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, बीइंग, और बीन यूज करते हैं. देखें इसमें लिखा हुआ द ब्रेड वॉज बेक्ड बाय जॉन, और इसी तरह वॉज इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ बी लिखा है. बी क्या है, वॉज क्या है, द पास्ट बी वर्ब है. ओके, फॉर्म द पैसिव वॉइस, फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स, नॉट द फॉर्म्स ऑफ टू बी इन द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ब टू किक इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पैसिव वॉइस. देखें इसमें किक के साथ लगाइए, इन्होंने इस जो वर्ब किक है उसके साथ उन्होंने सारे पैसिव वॉइस लगाए, तमाम पैसिव वॉइस के इन्होंने बी वर्ब लगाए. ये देखें मैं वही बताना चाहती हूँ, क्योंकि इज एम आर वो पास के, इज किक प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप यूज करते हो तो आप क्या करते हो कि क्या फॉर्मूला होता है, इज एम आर तो उसमें होता नहीं है प्रेजेंट के. एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब आप उसका पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हो लाजमी सी बात है हमें, क्योंकि बी वर्ब लाजमी लगाना है, तो दैट्स वाई वी यूज द प्रेजेंट बी वर्ब. प्रेजेंट बी वर्ब कौन से होते हैं, इज एम आर. ठीक है, तो प्रेजेंट बी वर्ब होते हैं इज एम आर. तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते हैं, ताकि हमारा प्रेजेंट बी वर्ब उसके बाद वर्ब की वही थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं. इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, हो गई बात. इज किक्ड, ठीक है, पास्ट की बात करनी है तो वॉज वर्ड किक्ड. ठीक है, कंटिन्यूस बात करनी है, इज बीइंग किक्ड. ठीक है, इज बीइंग किक्ड, बीइंग लगाया, इसलिए हमने बीइंग. अब हम बीइंग क्यों लगाते हैं, सो लिसन टू मी, कि अगर मैं कंटिन्यूस में जो है बींग ना लगाऊं और इस किक लिख दूं, तो फिर हमारे पास हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इनडेफिनेट टेंस का जो है जुमला है या कंटिन्यूस का जुमला है. तो हमें कंटिन्यूस को भी इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बींग लगाते हैं. और एक और रीजन इसकी कि वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनडेफिनेट टेंस और कंटिन्यूस टेंस. क्यों, अगर दोनों की फॉर्मेशन सेम हो जाएगी, अगर हम बींग ना लगाएं तो दोनों की फॉर्मेशन सेम हो जाएगी. अगर मैं यहाँ से बींग हटा दूं, ये बींग जो यहाँ ना लगाऊं, तो क्या होगा कि दोनों फॉर्मेशन सेम हो जाएगी. जब आपको रिकग्नाइज करने की जरूरत आएगी तो देन यू कांट रिकग्नाइज द डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेफिनेट टेंस और कंटिन्यूस टेंस. दैट्स व्हाई द बींग इज द सिंबल ऑफ, द बींग इज द सिंबल ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म. कंटेनर्स में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म लगती है ना, तो आईएनजी फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए हम बीइंग लगाते हैं. याद रखिएगा, प्रेजेंट का बी वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दोनों में बीइंग लगाया जाता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि इज
these sentences are the continuous sentences because we are adding here been. ठीक है, उसके बाद was kicked. ठीक है, ये past indefinite tense. ठीक है, जब हम past indefinite tense use करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास क्या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिवाइज होता है ना हमारा. तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें उधर नीड पड़ती है कि हमें तो हर हाल में जो है क्या करना है, बी वर्ब लगाना है. तो बी वर्ब के लिए हम क्या करते हैं कि उधर भी कोई हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हम पास का बी वर्ब यूज करते हैं, वो होता है वॉज वर्ब. उसको एज अ बी वर्ब यूज करके हम उसको जुमला बना लेते हैं. फिर क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूस पे आते हैं तो हम अगर वॉज ना लगाएं, वॉज के साथ बींग ना लगाएं, तो फिर हमारा फिर वही होता है कि हमारे जुमले सेम हो जाएंगे. कौन से जुमले सेम हो जाएंगे, इंडेफिनेट और कंटिन्यूस. दैट्स वाई फिर हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूस की फॉर्म भी शो हमें पता चलता रहे कि ये कंटिन्यूस फॉर्म है, क्योंकि उधर की आई एन जी फॉर्म. ठीक है, तो हम इधर बींग लगाते हैं ताकि हमें आई एन जी फॉर्म का भी पता चलता रहे कि हाँ भाई आई एन जी फॉर्म थी, कंटिन्यूस था, दैट्स वाई हम यहाँ पे बींग लगा रहे. अब आते हैं परफेक्ट टेंसेज में, हैज हैव हैड. क्योंकि हैज हैव हैड का जो सिंपल फार्मूला होता है उसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो जब हम उनका कन्वर्ट करेंगे और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कोई फर्क नहीं रहेगा. तो हम क्या करते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, बी डबल एन बी, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये जो बीइंग यूज हुआ और बीइंग के बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो ये हमें पता चलता रहेगा कि ये जो है हमारा पैसिव फॉर्म ये हमारा पैसिव फॉर्म है. दैट्स व्हाई वी यूज हियर बीन, बी डबल ई एन बीन. बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, थर्ड फॉर्म ऑफ बी. ये हमें बताता रहेगा कि ये जो है हैज हैव और हैड, इनके साथ हमारे पास बीन का इस्तेमाल हो रहा है, और बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो समझ जाए ये पैसिव का जुमला है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स से दैट वी कांट कन्वर्ट इट इनटू द पैसिव वॉइस बिकॉज वी डोंट, यू पीपल डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. बिकॉज द रीजन इज दैट कि हम हैड बीन ऑलरेडी वी सब्जेक्ट में यूज, मतलब एक्टिव वॉइस में हम यूज कर चुके हैं हैज हैड बीन, और हम जब परफेक्ट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें भी हम ऑलरेडी हम क्या यूज करते हैं, शी हैज बीन लर्निंग, तो हम ऑलरेडी हैज बीन यूज कर रहे होते हैं. तो हमारे पास कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब नहीं बचा कि जो हम उसके लिए और मजीद ऐड करें, नहीं है ना हमारे पास कोई और हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब कि हम और मजीद क्या लगाएं, हैड बीन ऑलरेडी लग ही रहा है ऊपर, तो हम कैसे लगाएं. तो फिर इसलिए इसका पैसिवाइज नहीं बनता है, इसको परफेक्ट टेंसेस का पैसिवाइज बनाने की रीजन यही है कि हमारे पास कोई और जो है बी वर्ब नहीं है, बी वर्ब सारे हम लगा चुके हैं, दैट्स व्हाई. और अगर हम बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं कि चलो भाई वहां पे ऊपर कंटिन्यूस फॉर्म लगी है, नीचे हम उसका थर्ड फॉर्म लगा दें, तो फिर आप ये देखेंगे परफेक्ट टेंसेज में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में कोई डिफरेंट नहीं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई वो नहीं होगा, तो फिर वही के दोनों ही सेम हो गए. तो इसलिए जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बी वर्ब पैसिव वाइज हम उसका नहीं बनाते हैं. जब भी अगर कोई इस तरह का कोई जुमला है, अवल तो ऐसा जुमला आता नहीं है, अगर अदरवाइज इन द रियल केसेस अगर आ भी जाए तो वी कांट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, यू हैव टू राइट डाउन हियर द नो पैसिव, आपको वहां लिखना है नो पैसिव. ओके, उसके अलावा हमारे जितने भी ये इसके बाद देखें विल है, विल के साथ अब हम आते हैं फ्यूचर पे. तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, शैल और विल यूज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें हम विल के साथ जस्ट बी का इजाफा करते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर का जो बी वर्ब है वो क्या है, विल बी. फ्यूचर का बी वर्ब क्या है, विल बी. ठीक है, विल बी के थर्ड फॉर्म यूज कर दी तो समझ जाए कि पैसिव वाइज यूज किया है. और अगर आप कंटिन्यूस की बात करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वाइज बन सकता है, सो स्टूडेंट वी कांट इट कन्वर्ट इट इनटू द पैसिव वॉइस. कैसे, अब मैं लिख रही हूँ सब्जेक्ट विल बी और आई एन जी फॉर्म, ये होता है ना एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला फ्यूचर का, तो स्टूडेंट वी कांट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज हम ये यूज नहीं कर सकते विल बी बीइंग, क्योंकि हमें पूरा वर्ड यूज करना है पैसिव वॉइस का, पूरा वर्ड यूज करना है विल बी बीइंग. विल आकर आप विल बीइंग यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कहीं भी आप जो है विल बीइंग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विल जो एक मॉडल वर्ब है और उसको विल जो एक मॉडल वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी, इसके साथ
उसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करने के लिए आपको बी वर्ब का होना बहुत जरूरी है, और जब बी वर्ब नहीं होगा, बी वर्ब इसका पूरा होता है विल बी, तो बी विल बी बीइंग हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रॉन्ग लगे, बी भी लगाएं और बीइंग भी लगाएं, तो इसलिए इसका भी पैसिव वाइज इसी वजह से नहीं बनता है। इसके अलावा जितने भी हमारे मॉडल वर्ब है, जैसे गोइंग टू है, ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना गोइंग टू मीन्स गोना, गोइंग टू मीन्स विल, ठीक है, तो गोना इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है गोना, तो ये हमारे मॉडल वर्ब्स है, ठीक है, कौन कौन से मॉडल वर्ब, विल, गोइंग टू, कैन, कुड, शुड, ठीक है, वुड, और जितने भी हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब का, सिर्फ बी का उसको जो है बी वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हम बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मे, माइट, यस, ये भी हमारे बी वर्ब है, इनके बाद भी हम क्या करते हैं, जस्ट बी का इजाफा करते हैं, इनको बी वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बी का इजाफा करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, शुड बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, ये सब हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद हम जस्ट बी का इजाफा करके इनके साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, दैट इज द पैसिव वॉइस, समझ आई, फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। अब ये एग्जाम्पल बताएंगे इनकी जो पीछे मैंने आपको ये यूज किए थे, इनका एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस, द कुकीज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन, एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे चिल्ड्रन, इसने काम किया है चिल्ड्रन, वर लगा हुआ है खाली, वर बीइंग नहीं लगा हुआ तो समझ जाए कि खाली वॉज वर यूज हुआ है, तो इसका मतलब जो है जो इन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और अगर बीइंग लगा होगा तो समझ जाए कि पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। इसी तरह इन जो है प्रेजेंट में भी यही है कि अगर इज एम आर के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो समझ लें इंडेफिनिट टेंस है, और अगर इज एम आर के बाद बीइंग आ गया तो समझ जाए ये कंटिन्यूस का टेंस है। यहाँ पे देखें वर्ब के साथ डायरेक्ट इन्होंने थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है, तो द कुकीज वर इटन बाय द चिल्ड्रन, तो फिर आप फॉरन समझ जाए कि ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला फॉरन जहन में लाए, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन एट द कुकीज। दूसरा नंबर देखें, एग्जाम्पल देखें, द टनल्स आर डग, टनल्स कहते हैं सुरंगों को, द टनल्स आर डग बाय द गॉफर्स, ठीक है, गॉफर्स ने जो है सुरंगे खोदी, जो बनाते ना सड़के वगैरह, ठीक है, उन्होंने सुरंगे खोदी, ठीक है, ये है। इसमें भी देखें आर डग, तो ये है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, तो उन्होंने फौरन से प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करने का तरीका बता रहे हैं। फॉर्म द वर्ब, अब देखें क्या क्या है, ऑफ इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वी कंटेन बाय फ्रेज इंडिकेटिंग हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, यानी कि बाय हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा एक्शन और किसने परफॉर्म किया है, तो बाय इसलिए लगाया जाता है कि भाई ये काम किसने किया, बाज़ औक़ात होता है हमें बताना पड़ जाता है कि भाई ये काम इसने किया। पैसिव सेंटेंस कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड इन टू एक्टिव सेंटेंसेज व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बाय इज मूव टू द सब्जेक्ट पोजिशन इन द सेंटेंस, समझ आई बात, कि जब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आपको जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के तौर जो बाय है वहां उसके बाद चला जाए, कि बाय जो है सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाए, तो आप समझ जाए कि भाई जो रिसीवर था, वो जो काम करने वाला था, वो किसने किया ये काम, समझ आ रही है कि मतलब बाय का इस्तेमाल ये बताया कि हमें बाज़ुकात। अब ये आपका होमवर्क है, देख लीजिए स्टूडेंट, लेट्स प्रैक्टिस, ये सारा आपने काम करना है, क्या करना है, पहले पांच जुमले आपने क्या करना है, चेंजिंग टू द पैसिव वॉइस, ये पांच जुमले आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने, चिल्ड्रन कैन नॉट ओपन दीज बॉटल्स इजीली, ठीक है, द गवर्नमेंट बिल्ड अ रोड राइट आउटसाइड हर फ्रंट डोर, मिस्टर रोज ब्रोक द एंटिक वॉच एज ही वॉक थ्रू द स्टोर, व्हेन शी अराइव द चेंजेस अमेज्ड हर, ठीक है, अब देखते हैं इसको आप कैसे बनाते हो, इट्स अ चैलेंज, व्हेन शी अराइव द चेंजेस अमेज्ड हर, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर मेकिंग स्ट्रीट्स रिपेयर ऑल मंथ लॉन्ग, ठीक है, ये आपने पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है, और ये वाले जो है एक्टिव वाइज में कन्वर्ट करना है, ये जो पांच है आपने इनको एक्टिव वाइज में कन्वर्ट करना है। द स्टैच्यू इज बीइंग विजिटेड बाय द हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर,
My books were stolen by someone yesterday. These books had been left in the classroom by a careless student. Coffee is raised in many parts of Hawaii by plantations worker. Okay? Or the house had been broken into by someone while the owners were on vacation. Student, ये आपने करने, ठीक है, कॉपी में करने, आपका ये होमवर्क है, ठीक है? Okay, student, my topic has been finished. Now it's your turn to ask a question. Okay, Allah Hafiz.